हाँ तो गाइस, अगर आप भी इस तरह के एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो इस तरह का एडिटिंग करने के लिए आप सभी को दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, एक तो कैपकट और दूसरा है वीपीएन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वीपीएन है उसे कनेक्ट कर लेना है, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन अंदर एक टेम्पलेट का लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे यूज टेम्पलेट इन कैपकट यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे यूज टेम्पलेट यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फोटोज एंड वीडियोस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस फोटो सेक्शन पे आना है, और फिर यहाँ पे एल्बम को यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सारे फोल्डर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जिस फोल्डर के अंदर आपका मॉडल का फोटो है उस फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो भी फोटो पसंद है उस फोटो को टैप करना है। तो यहाँ पे टोटल आपको 4 फोटो की जरूरत पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप फोटो को और भी एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप फोटो को जो जूम इन करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे कॉन्फर्म पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे एक प्रीव्यू का बटन दिख रहा है इसके ऊपर टैप करना है, और फिर यहाँ पे ऊपर आपको एक्सपोर्ट का एक बटन दिखेगा यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाता है उसके बाद आपको इसको एकदम कट कर देना है, यहाँ पे आपको कैपकट को एकदम कट कर देना है, और फिर से यहाँ पे आप सबको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है, और फिर यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे अभी जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को यहाँ पे सिलेक्ट करके एड कर लेना है, और फिर यहाँ पे आपको आगे थोड़ा सा आना है, और यहाँ पे आपको इस 5 सेकंड यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाना है, और आने के बाद गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और फिर स्प्लिट कर देना है, और लेफ्ट का जो पार्ट है उसे आपको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। उसका लास्ट में जाना है, और लास्ट में जो एंडिंग है यहाँ पे क्लिक करके इसे भी जो डिलीट कर देना है। उसको यहाँ पे एड ऑर्डर का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्टेड यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो का यहाँ पे आपको क्लिक करके जो एड जो इम्पोर्ट साउंड ऑनली यहाँ पे क्लिक कर देना है, जिससे जो म्यूजिक को एड हो जाएगा उसको एक बार आप प्ले करके देख सकते हैं। और फिर ऊपर आप सभी एक्सपोर्ट का बटन दिखाकर यहाँ पे क्लिक करना है, और फिर इस वीडियो को जो एक्सपोर्ट कर लेना है। तो उम्मीद का तो ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।